नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। RBSE ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आपको संस्कृत के वीडियो मिलते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर रहे हो और अपने कोर्स को साथ साथ में एकदम अच्छे से तैयार कर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी डाउट हो उसको क्लियर किए बिना आगे मत बढ़ना। आपके हर डाउट का जवाब देने के लिए हमें आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, संस्कृत का कारक। मैंने आपको बताया यदि आपको कारक समझ आएंगे तभी आप दो टॉपिक और कर पाओगे। दो टॉपिक है आपके, अशुद्धि संशोधनम 4 नंबर का टॉपिक और एक आएगा आपके अशुद्धि संशोधनम के बाद में अनुवाद प्रकरणम। ये दोनों टॉपिक, अनुवाद प्रकरण 4 नंबर का, अशुद्धि संशोधन 3 नंबर का टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक किसी कारक पर आधारित हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कारक का आधार तैयार करवाया, साथ में प्रश्न निर्माण नाम का एक टॉपिक भी समझाया था। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी कारक की आधारशिला यानी कि विभक्ति पहचान आपको बताई थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से याद की होगी उसको। अगर आपको विभक्ति पहचान अच्छे से याद है तो मेरे हिसाब से कारक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं अपन कारक। पहला कारक मैंने आपको बताया 7 प्रकार के होते हैं, मुख्य 6 कारक और इसके अलावा एक संबंध कारक। आज अपन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन एक एक कारक को समझना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना जो पहला कारक है अपना कर्ता कारक। इसमें मैंने आपको बताया प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और प्रथमा विभक्ति की मैंने एक पहचान भी आपको बताई प्यारे विद्यार्थियों, शब्द के अंत में विसर्ग लगा होता है वो प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति की पहचान मैंने आपको ये बता रखी है। अब अच्छे से एक एक पॉइंट को तैयार करते हैं अपन। देखिए कर्ता, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कर्ता किसको कहते हैं, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, वो कर्ता कारक कहलाता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जो क्रिया को करने वाला होता है, जो कोई भी काम है वो जो करने वाला होगा वो कर्ता कारक कहलाएगा और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए रामः पठति। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पठति पढ़ना, राम पढ़ रहा है तो पठति होगी क्रिया। इस क्रिया को कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है ना, तो राम इस क्रिया को करने वाला हो गया, इसलिए राम क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। अब पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, अंडरलाइन कर दिया रामः पठति, क्वेश्चन पूछेंगे रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण। अब जैसे ही आपने देखा रामः पठति, पढ़ना क्रिया होगी, पढ़ना क्रिया को करने वाला राम है तो राम हो गया कर्ता कारक और कर्ता कारक में आपको बताया प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, एक का आंसर लिख के बता रहा हूं। देखिए क्या कारण है, राम शब्द में पहला बताएंगे कर्ता कारक के योग में रामः शब्द में प्रथमा
विभक्ति है। कर्ता कारक के योग में रामः शब्द में प्रथमा विभक्ति है। अब देखिए इसमें आधा नंबर तो मिलेगा यहां तक, कर्ता कारक के योग में, ये इसका कारण है कि क्यों है प्रथमा विभक्ति, क्योंकि ये कर्ता कारक है। आधा नंबर यहां तक और आधा नंबर इसका कि राम शब्द में प्रथमा विभक्ति है। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन दो हिस्सों में बंटा होगा। पहला कारण आ गया क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता कारक कहलाता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। दूसरा कारण, अभी मैंने आपको वाच्य परिवर्तन पढ़ाए थे, वाच्य परिवर्तन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपने एक चीज नोट की, जब अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते थे तो कर्तृवाच्य के कर्म की द्वितीय विभक्ति कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में बदल जाती थी। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्म वाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते, मान लीजिए यही पेपर में एग्जाम्पल आ जाए तो देखिए रामेण और पठ्यते, यते यन्ते वाच्य के अंदर आते हैं, कर्म वाच्य के अंदर रामेण तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति होती है तब कौन सा वाच्य होता है, आपको बताया कि कर्म वाच्य होता है। अब आपने देखा कि कर्म वाच्य है तो कर्म वाच्य है तो कर्म वाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति लगी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कर्म वाच्य के, कर्म वाच्य के कर्म के योग में, आपको डायरेक्ट पूरा आंसर इसी तरीके से लिखना है, कर्म वाच्य के कर्म के योग में ग्रंथः शब्द में प्रथमा विभक्ति है, कर्मवाची के कर्म के योग में ग्रंथः शब्द में प्रथमा विभक्ति है। क्यों है प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कर्मवाची का कर्म है। अब देखिए मैंने आपको पहचान बताई, दोनों एग्जाम्पल उसी पहचान के अकॉर्डिंग आए, रामः में भी अंत में विसर्ग लगा है, ग्रंथः में भी अंत में विसर्ग लगा हुआ है। तो जिस शब्द में विसर्ग लगा होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है। अब ये दो पॉइंट मेरे को उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आएंगे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपन, तीसरा पॉइंट अपने शब्द रूप पढ़े हैं 8, 9, 6 सब में, शब्द रूप के अंदर सात विभक्तियों के बाद में संबोधन आता है। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है, इसकी पहचान होती है हे संबोधन की और अंत में संबोधन वाचक चिन्ह। तो जहां पर संबोधन वाचक चिन्ह या हे आ जाए तो वहां पर संबोधन वाचक शब्द होगा, संबोधन वाचक में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे क्वेश्चन आ गया हे बालकः, त्वं कुत्र गस्सी, हे बालकः त्वं कुत्र गस्सी। तो जैसे ही आपने देखा संबोधन वाचक शब्द आ गया, हे आ गया और पीछे संबोधन वाचक चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। कारण क्या लिखोगे, क्यों है प्रथमा विभक्ति, क्योंकि यह संबोधन वाची शब्द है। तो लिखिए संबोधन वाचक शब्द के योग में प्रथमा, हे बालकः शब्द में प्रथमा विभक्ति, संबोधन वाचक शब्द के योग में हे बालकः शब्द में प्रथमा विभक्ति है। चौथा पॉइंट ये कहता है इति शब्द के योग में, जहां पर इति शब्द आ जाए उसमें भी हमेशा
प्रथमा विभक्ति लगेगी। इति शब्द में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे क्वेश्चन आ गया वयम इमम वयम इमम यशवन्तः इति नामना जानीमः। वयम इमम यशवन्तः इति नामना जानीमः। तो जैसे ही आपने देखा इस शब्द में, इस सेंटेंस के अंदर इति शब्द आया, तो इति शब्द आते ही यशवंतः शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो देखिए ये आपके प्रथमा विभक्ति प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट होगी, कर्ता कारक कंप्लीट हो गया। एक बार फिर रिपीट करा देता हूं, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वो कर्ता कारक कहलाता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। अब मेरे हिसाब से आपको कारण और विभक्ति लिखने में, आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रामः पढ़ती, या पढ़ना क्रिया होगी, कौन कर रहा है? रामः कर रहा है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरा कर्मवाची के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो रामेण ग्रंथः पठ्यते, तो ग्रंथः शब्द क्या हो गया? इसका कर्म हो गया, इसलिए कर्म में द्वितीय प्रथमा विभक्ति होगी। फिर संबोधनवाचक शब्द, संबोधनवाचक की पहचान होती है हे, और पीछे आएगा संबोधनवाचक शब्द, सॉरी संबोधनवाचक चिन्ह, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। और लास्ट में इति शब्द जहां पर आ जाए, इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। तो जैसे ही आपने देखा वयम इमम यशवंत इति नामना जानीमः, तो जैसे ही आपने देखा इसमें इति शब्द आया, तो इति शब्द के योग में यशवंता में प्रथमा विभक्ति होगी। तो देखिए ये आपके कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति कंप्लीट होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। ये यहां से लेके पंचमी तक ये बड़े कारक हैं, ढंग से समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों। मेनली क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं, द्वितीय से लेके पंचमी तक। कर्म कारक का पहला पॉइंट ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया में, कर्ता अपनी क्रिया में जिसको सर्वाधिक चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया में जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में आपको पता है कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति की मैंने पहचान आपको बताई है, अंतिम वर्ण के अंत में हलंत म या अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार, ये पहचान देखना आप। ज्यादातर एग्जाम्पल आपको इसी पहचान के अकॉर्डिंग मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? कर्ता अपनी क्रिया में जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे देखिए रामः ग्रंथम पढ़ती, और इस लाइन को अंडरलाइन कर रखा है, इस वर्ड को। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपने देखा अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, अपने ट्रिक से पहचाने तो इजीली पता चल गया कि इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो आधा नंबर तो आपका सेफ हो गया, है ना, आधा नंबर सेफ हो गया। अपना पॉइंट क्या कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया में जिसको सर्वाधिक चाहता है, देखिए राम हो गया इसमें कर्ता, और पढ़ना होगी इसमें क्रिया, राम कर्ता हो गया और पढ़ना क्रिया होगी। क्या पढ़ना चाहता है? ग्रंथ पढ़ना चाहता है, तो ग्रंथ पढ़ना उसका इच्छित क्या हो गया? कर्म हो गया। राम हो गया कर्ता, पढ़ती होगी क्रिया, क्या पढ़ना चाहता है? ग्रंथ पढ़ना चाहता है, तो ग्रंथ पढ़ना हो गया उसका कर्म, और कर्म में आपको पता है कौन सी विभक्ति लगती है?
द्वितीय विभक्ति। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे? कर्म कारक के योग में, कर्म कारक के योग में ग्रंथम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। कर्म कारक के योग में ग्रंथम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। जैसे सह, एक और एग्जांपल समझ लीजिए, ग्रामम गस्ति, सह ग्रामम गस्ति, वह गांव जा रहा है। तो सह हो गया इसमें कर्ता, गच्छति होगी इसमें क्रिया। कहां जाना चाहता है वह? गांव जाना चाहता है। तो गांव जाना उसका क्या हो गया? कर्म हो गया, और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। कारण क्या लिखोगे? कर्म कारक के योग में। क्यों है इसमें ग्राम में द्वितीय विभक्ति? क्योंकि ये कर्म कारक है, और कर्म कारक में हमेशा क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका इसका पहला पॉइंट हो गया। अब अपन बात करें दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये कहता है अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आश धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। देखिए अधि उपसर्ग और अधि उपसर्ग इन तीन धातुओं के साथ कहीं पर आ जाए, सिंह स्था और आश धातु के साथ में कहीं आ जाए, तो उसके अंदर हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया रामः पर्यंकम अधिशेते। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कारक आपको तैयार करने हैं, तो पॉइंट आप अच्छे से याद करते रहना। पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो देखिए, आधा नंबर तो मैंने आपका सेफ कर दिया, विभक्ति तो आप इजीली पहचान सकते हैं। देखो अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार है, तो आपको वैसे ही पता चल गया कि द्वितीय विभक्ति है। आधा नंबर जो अपने को कारण निकालना है, कारण का, वो आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होंगे तभी ये आपको आएंगे। देखिए जैसे आपने देखा अधि उपसर्ग आ गया, अधि उपसर्ग आ गया और शेते की मूल धातु है सिंह, तो दोनों पॉइंट आगे देखो, अधि उपसर्ग आ गया और सिंह धातु आ गई, तो इसका मतलब पर्यंकम शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। अब कारण क्या लिखोगे? अधि उपसर्ग और सिंह धातु के योग में पर्यंकम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग और सिंह धातु के योग में पर्यंकम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। अधि उपसर्ग और सिंह धातु के योग में पर्यंकम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। मान लीजिए एक और एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे सह आसंदिकाम अध्यास्ते, अध्यास्ते ये इसलिए समझाया क्योंकि थोड़ा उससे हटके। अब जैसे ही आपने देखा अध्यास्ते वर्ड को समझा रहा हूं, देखिए अध्यास्ते वर्ड का संधि विच्छेद होगा, कैसे बना? अधि और प्लस आस्ते, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अधि प्लस आस्ते। यण संधि आपने पढ़ी है, ई की जगह हो जाता है य, तो ध में से अपन ने ई को निकाला, ध आधा हो गया, य प्लस आस्ते। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए ध और य दोनों व्यंजन है, जुड़ेंगे नहीं, तो ध आधा हो गया, य में आ जुड़ा, या हो गया अस्ते, अध्यास्ते। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अधि उपसर्ग आ गया और आस्ते की मूल धातु आश आ गई, तो अधि उपसर्ग और आश धातु के योग में आसंधिकाम में द्वितीय विभक्ति है। अधि उपसर्ग और आश धातु के योग में आसंधिकाम में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो ये आपके इसके दो पॉइंट हो गए, ये इसके दो पॉइंट हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अभी अपने करा उसमें एक उपसर्ग था और तीन धातुएं थी, अब इसका उल्टा देखिए कि तीसरा पॉइंट ये कहता है कि उप
अनु अधि और अंग, अंग का आशेष बचेगा। आ उपसर्ग पूर्वक, उप अनु अधि और अंग उपसर्ग पूर्वक वर्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। उप अनु अधि और अंग उपसर्ग पूर्वक वर्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। यदि इन चार उपसर्ग के साथ में कहीं पर वस, वस का रूप चलेगा वस्ती से, तो उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया, श्यामः नगरम उपवस्ती, श्यामः नगरम उपवस्ती, इसको अंडरलाइन कर रखा है। तो पहली चीज अगर अपन विभक्ति पहचान से देखें तो अंत में हलंत म आया है, तो अपनी पहली चीज तो वैसे ही क्लियर होगी कि इसमें द्वितीय विभक्ति है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब कारण पे आ जाइए, क्योंकि अपने को बनाना है पूरा, चार में से चार नंबर निकालने हैं। तो चार नंबर कैसे निकलेंगे, देखिए उप उपसर्ग आ गया और वस्ती की मूल धातु, देखिए उप उपसर्ग आ गया और वस धातु आ गई, तो इसमें कारण आ गया कि उप उपसर्ग और वस धातु आ गया, इसका मतलब इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। कारण क्या लिखोगे, उप उपसर्ग उप उपसर्ग और वश धातु के योग में नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। उप उपसर्ग और वश धातु के योग में नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। अब मान लीजिए उपवस्ती की जगह आ जाए अनुवस्ती, तो अनु उपसर्ग और वश धातु अधिवस्ती आ जाए, जैसे रामः जयपुरम अधिवस्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसमें अधि उपसर्ग आ गया और वस धातु आ गई, तो अधि उपसर्ग और वस धातु के योग में जयपुरम में द्वितीय विभक्ति है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट तैयार हो गया। क्या पॉइंट है, उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग और आ उपसर्ग, उसके साथ में यदि कहीं पर वस धातु आ जाए तो उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों, तभी, क्योंकि देखिए यहां से ही मेनली आपके कारक स्टार्ट होते हैं द्वितीय विभक्ति से ही। चौथा पॉइंट क्या कहता है, यदि कहीं पर अभी और नी उपसर्ग हो, उसके साथ यदि कहीं पर विष धातु आ जाए, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। और ये उपसर्ग दोनों साथ में प्रयुक्त होंगे। अभी तक अपन ने उपसर्ग पढ़े वो अलग अलग, जैसे यहां पर उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ, यहां अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ, यहां पर अभी और नी उपसर्ग आए, वो दोनों साथ में आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, दिनेशः ग्रामम अभी नी विस्ते, अभी नी विस्ते। तो देखिए हलंत म आ गया, द्वितीय विभक्ति क्लियर होगी। अब निकालना है कारण, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी उपसर्ग आ गया और नी उपसर्ग आ गया, अभी और नी उपसर्ग दोनों आ गए यहां पर। इसके साथ में देखिए विस्ते की मूल धातु आ गई विस, तो कारण दोनों क्लियर हो गए। अभी उपसर्ग और नी उपसर्ग, अभी और नी उपसर्ग के साथ में विस धातु के योग में ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। ये आपके चौथा पॉइंट हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट करा रहा हूं आपको, कुछ शब्द लिखा रहा हूं और उनके अर्थ लिखाऊंगा। ये शब्द, एक चीज ध्यान रखना, शब्द और धातु का ध्यान रखना बेटा। ये जो अभी लिखाऊंगा वो सारे शब्द है, और बाद में कराऊंगा वो धातुएं होगी। अगर आप धातु, क्योंकि धातु अलग होती है, धातु से धातु रूप बनता है, शब्द से शब्द रूप बनता है। निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, अब वो शब्द कौन से, देखिए शब्द है अभीतः उभ्यतः,
दोनों अलग अलग शब्द हैं, साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों का मीन्स एक होता है, अभीतः और उभयतः, इनका अर्थ होता है दोनों और। दूसरा परितः सर्वतः, चारों और। तीसरा समया निक्सा, ध्यान से एक एक वर्ड को नोट करते जाइएगा क्योंकि इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। समया निक्सा, इसका अर्थ होता है पास में। चौथा आपके आता है अंतरेण और बिना, इसका अर्थ होता है बिना। अंतरेण और बिना, इसका अर्थ होता है बिना। हा, हा ये शोक प्रकट करने के लिए होता है, शोकार्थक होता है। प्रति, प्रति दिशा के लिए होता है की और, प्रति की और। फिर इसके अलावा आपके साथ में आता है अधो अधः, इसका अर्थ होता है सबसे नीचे। आठवां है अध्यधि, अध्यधि का अर्थ होता है अंदर अंदर। नौवां आपके आता है अनु, अनु मिस होता है पीछे। और दसवां और आखिरी है उपर्यु परि, इसका अर्थ होता है ऊपर ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 शब्द हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये 10 शब्द मोस्टली पेपरों में पूछे जाते हैं, इनमें से आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है। अभीतः उभयतः, इसका अर्थ होता है दोनों और। साथ में मैंने इसलिए लिखा इनको क्योंकि यहां तक जो ये वर्ड आए हैं इनका अर्थ एक ही है परंतु अलग अलग आएंगे। अब ये वर्ड, 10 वर्ड जिस सेंटेंस में आ जाएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी और जो शब्द आएगा वही इसका कारण बन जाएगा। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया ग्रामम अभीतः वृक्षः सन्ति, बालकः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। ग्रामम निक्सा देवालयम अस्ति। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इनको जैसे अगर आपको पॉइंट याद है तो पहली चीज देख लो, सारे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं उसी पहचान के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं अपने उसी पहचान के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, या तो अलंत म लगा होता है या अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार, तो विभक्ति पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए जैसे अगर आपने पॉइंट याद कर रखा है, अभीतः शब्द देखा, अभीतः शब्द देखते ही आपको पता चल जाएगा, आप याद करे होंगे पॉइंट तो आपको पता चल जाएगा अभीतः शब्द अपन ने याद किया था द्वितीय विभक्ति में, तो अभीतः शब्द के योग में ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। फिर यहां पर आ जाए प्रति, प्रति का एग्जाम्पल बहुत बार पेपरों में पूछते हैं, तो प्रति शब्द के योग में विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति है। फिर आपके आता है देखो निक्षा, निक्षा शब्द के योग में ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट है। अब नेक्स्ट अपना जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट ये कहता है कि निम्नलिखित धातुओं के योग में, वो थे शब्द, ये है धातुएं, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा।
वो शब्द अगर आप लिख दे तो अभितः धातु के योग में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभितः शब्द है, तो शब्द को शब्द लिखना और धातु को धातु। अब मैं लिखवा रहा हूं वो धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। वो धातुएं देखिए, दूह, दूह मीन्स दूहना, याच, याच मीन्स मांगना, पच, पच मीन्स पकाना, दंड, दंड देना, रुद्ध पांचवा है, रुद्ध नोट करते जाइए साथ साथ में, रुद्ध मीन्स रोकना, प्रक्ष, प्रक्ष मीन्स पूछना, ची चुनना, आठवीं धातु है आपके। देखिए कारक के अंदर आपको याद करने के लिए बहुत मैटर मिलेगा, साथ साथ में जितना आप वीडियो देखते जाए साथ साथ में याद करते जाना बेटा, एक साथ कारक कभी भी तैयार नहीं होंगे। ब्रू बोलना, सास सास कहना, मत मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, क्रश खींचना, वह ढोना, और अंतिम है आपके हर हरण करना। ये लगातार दो बड़े पॉइंट आपके, पिछले में अपने 10 शब्द पढ़े थे, इसमें 16 धातुएं हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये 16 धातुएं जिस सेंटेंस में आएगी उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी, और जो धातु आ जाए वही उसका कारण बन जाए। अब कुछ एक वन वर्ण की, एक वर्ण की धातुएं हैं जिसे इसका रूप कैसे चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ची का रूप चलेगा चिनोती से, ची का रूप चलेगा चिनोती से, नी का रूप चलेगा नैती से, हरा का रूप चलेगा हरती से, ये आप ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं उससे एकदम क्लियर हो जाएगी आपके। जैसे पहला एग्जाम्पल है सुरेश, महेशम, पुस्तकम, याचते। नृपः, कर्पणम, धनम, हरति। दिनेशः, ग्रामम, अजाम, नैति। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहली चीज अपने उस विभक्ति पहचान से, लगभग द्वितीय विभक्ति कंप्लीट होने को है, उसी पहचान से सारे एग्जाम्पल आए। देखो किसी में अनुस्वार लगा और किसी में हलंत मा लगा हो, वो द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब आधा नंबर अपना सेफ हो जाता है, आधा नंबर बचता है कारण का। देखिए याचते, याचते की मूल धातु हो गई याच। अगर पॉइंट आपको अच्छे से याद है तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। याचते की मूल धातु होगी याच, तो आप कारण लिखोगे याच धातु के योग में, महेशम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, याच धातु के योग में महेशम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। हरति की मूल धातु हर, हर धातु के योग में कर्पणम में द्वितीय विभक्ति है, और नैति की मूल धातु होगी नी, तो नी धातु के योग में
ग्रामम सब में द्वितीय विभक्ति है। तो ये दो बड़े पॉइंट हो गए। अंतिम पॉइंट आपका सातवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अच्छे से समझिएगा। देखिए कालवाचक और मार्गवाचक, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, जहां पर समय की बात होगी उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। जहां पर मार्ग, मार्ग मतलब रास्ते की बात होगी उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे एग्जाम्पल आ गया सह अत्र पंच दिनानी पढ़ती, सह अत्र पंच दिनानी पढ़ती, इयम नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, सह अत्र पंच दिनानी पढ़ती, वह यहां पांच दिन से पढ़ रहा है। तो पांच दिन प्यारे विद्यार्थियों किसका वाचक हो गया, पांच दिन, यानी कि समय की बात हो रही है, समय की, काल की जहां पर बात हो उसमें अपने पॉइंट याद कर रखा है कि कालवाचक शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो पंच दिनानी शब्द आ गया कालवाचक, तो कालवाचक शब्द के योग में पंच दिनानी में द्वितीय विभक्ति है। फिर यह नदी कोश भर तक कुटिला, कुटिला में स्टेडी में डी है, तो कोश भर किसका वाचक हो गया, एक कोश में होते 3 किलोमीटर, तो कोश हो गया, मार्ग की बात होगी तो मार्गवाचक शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहां पर अपने आ जाएगा मार्गवाचक शब्द के योग में क्रोशम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक कर्म कारक कंप्लीट हो गया। पूरी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से समझिए और कॉपी में नोट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।